señor que me va a conducir a dar un lugar y esta noche que te haré. Él te va a conocer. Él dice, bueno, si te dice, o sea, lo que te haré. Él está en dos, no sé, por qué. No sé, salvar. Pero salvar que te haré de libre. De libre, a la gala, salvar cual, a la gala, mandar a la iglesia, chacha goti goti, और कल शाम को अंधे रूप से मेरी चर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री के साथ हुई तो एक तरफ समाज की दौड़ चल रही है एक तरफ संघर्ष की तैयारी चल रही है अब ये समाज से क्या निकला वो मैं मित्रों को कहना चाहता हूँ तो समाज का एक भाग है हम एक नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी के लिए बात कर रहे थे और नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी एग्रीकल्चर पॉलिसी जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे जमीन से संबंधित एक पॉलिसी तो गवर्नमेंट तैयार हो गई है कि नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी को तैयार करने के लिए और ये नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी के तहत कई कंपोनेंट है एक कंपोनेंट है कि आदिवासियों की जमीन की समस्याओं को हल करने के लिए वर्तमान में जो कानून है उसको सशक्त बनाना और जो कानून में जो प्रोविजन नहीं है उसको प्रोविजन को बिल्डिंग करना और एक तो आदिवासियों की जमीन उनके जीवन से जुड़े हुए मामला है उसको सशक्त करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है दूसरा हर व्यक्ति को अपने मकान बनाने के लिए झोपड़ी बनाने के लिए जमीन देने की बात इसको हम राइट परसेंटर ऐसा कहते हैं कि हम अपने मकान बनाने का अधिकार जैसे राइट फूड है राइट वर्क है वैसे राइट शेल्टर वाला जो एजेंडा है उसको लेकर बातचीत हुई है और उसके लिए सरकार तैयार हो गई तीसरी बात है कि लैंड पूल इस देश में जहां जहां से जमीन निकाल सकते हैं उसको सबको निकालना और वो गरीबों को वितरण करना वो अलग अलग प्रकार से लैंड पूल तैयार किया जा सकता है एक लैंड पूल तैयार करना और सोशल जस्टिस एजेंडा के तहत वो जमीन गरीबों में वितरण करना एक तीसरी बात और नोमैड से संबंधित जो घुमंतू जाति है घुमंतू जातियों के लिए जो कमीशन है बालकृष्ण रेलवे कमीशन उस कमीशन के रिकमेंडेशन पर काम करने की बात ऐसे पॉलिसी के तहत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार काम करेगी लेकिन ये सब काम करने के लिए ढांचा चाहिए इंस्टीट्यूशन चाहिए तो इंस्टीट्यूशन है नेशनल लैंड रिफॉर्म्स काउंसिल को मजबूत करना उसके नीचे स्टेट में स्टेट ट्रिब्यूनल्स को मजबूत करना और फास्ट ट्रैक कोर्ट और सिंगल विंडो सिस्टम को काम करना तो अगर आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा एक पॉलिसी है पॉलिसी के तहत एक रोड मैप है रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन है तो हमें लगता है कि आज तक जो नेगोशिएशन हुआ डिस्कशन हुआ डायलॉग हुआ उसका अंतिम परिणाम काफी महत्वपूर्ण है और इस परिणाम पर अगर सरकार टिकेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे तो जरूर आम लोगों की समस्याओं को हल किया जा सकता है लेकिन आज ये करना पड़ेगा अभी आज 26 सितंबर है और हमारे पास एक सप्ताह का टाइम है एक सप्ताह बाद इसी मेला ग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री लोग आएंगे और यहाँ जो लोग इकट्ठे होंगे 1,00,000 लोग उनके सामने ये सारे प्रस्ताव को रखेंगे इस प्रस्ताव के आधार पर उसके मंजूरी के आधार पर 1,00,000 लोग मिलकर तय करेंगे कि आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी इसको हम आंदोलन में बदलेंगे या सेलिब्रेशन में बदलेंगे ये सारी बात 2 अक्टूबर को तय होगा लेकिन आज तक जो डेवलपमेंट हुई है उससे हमें संतुष्टि है ऐसा लगता है कि जो निर्णय लिया जा रहा है वो आम लोगों के हित में है और उसको सरकार और हम लोग मिलकर एक साथ पालन करेंगे तो आम लोगों को लाभ मिलेगा।